मधुतम शरणम प्रभु के प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान का यहाँ वास है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री हनुमान का एक ऐसे मंदिर का दर्शन करवाने वाले हैं जो अपनी क्षेत्रीय मान्यताओं तथा अपने प्राचीन इतिहास के कारण प्रसिद्ध माना जाता है। दरअसल यह मंदिर है छिंदवाड़ा के साधना गांव से 7 किलोमीटर दूर राइट लेने पर पड़ता है पिपरिया गांव। वहां पर स्थित है भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर जिसे जाना जाता है पिपरिया वाले दादाजी। और यह मंदिर दोस्तों 288 साल पुराना है और इसका प्राचीन इतिहास आज भी अमर है। दोस्तों चलिए आपको मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ प्राचीन है, जैसे कि आप उस पेड़ को देखेंगे, उस पर जूम करिए थोड़ा सा, उसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह पेड़ लगभग 10 से 15 साल पुराना है। इसी तरह इसकी हर चीज़ पुरानी है। आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। यहाँ पर एक नीम का पेड़ भी है जो अपनी प्राचीनता के कारण जाना जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहाँ पर आप जो मनोकामनाएं करते हैं, जो इच्छाएं जाहिर करते हैं, वे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और दोस्तों पहले यह मंदिर ऐसा नहीं था। आज से लगभग 20 से 25 वर्ष पहले ही यहाँ फर्श बनवाया गया था। हालांकि यह फर्श थोड़ा बहुत चिटक चुका है, लेकिन बात हम करते हैं हमारे प्रभु भगवान श्री हनुमान की। तो दोस्तों चलिए हम आपको करवाते हैं दर्शन। तो कर लेते हैं हम दर्शन। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि हम मंदिर 288 साल पुराना है और यह मूर्ति हालांकि बनवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो ज़मीनी रूप से प्रकट हुए थे और हम आज आपको वो बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इनमें से कुछ जो पत्थर हैं, जैसे कि इस तरह इन्हें अलग अलग देवी देवताओं के रूप में माना जाता है और ज़्यादातर पत्थर ज़मीन से प्रकट हुए हैं और कुछ में आकृति ढाली गई है। दोस्तों कुछ वर्षों पहले यहाँ पर मेला जैसा माहौल होता था। हर शनिवार, मंगलवार और पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता था, किंतु कुछ कारणों की वजह से ऐसा होना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको एक प्राचीनतम मंदिर के बारे में बता रहे हैं। अगर आप छिंदवाड़ा में रहते हैं या फिर आसपास आप यहां आ सकते हैं तो आप ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए श्री दादाजी का। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपके अंदर सच्ची श्रद्धा होती है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर को कभी पत्थरों में मत ढूंढिए, ईश्वर आपके दिल में सदैव रहते हैं। दोस्तों जय हिंद।